वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी कॉटन साड़ी की देखभाल कैसे करें, जो हम कॉटन साड़ी जैसे घर में पहनते हैं, बाहर पहनते हैं, जिस भी तरह से यूज करते हैं अपनी कॉटन साड़ीज का, तो उसका हमें केयर कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें कि वो सालों साल तक चलती रहे, जल्दी खराब नहीं हो, पहनने में भी ईजी रहे, तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड फटाफट से अपना वीडियो। तो पहले तो ये टिप है फ्रेंड कि हमें अपनी कॉटन साड़ी जब हम लाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, बहुत ज़्यादा कड़ाक सी होती है, पहनने में इजी नहीं होती है, ड्रेप करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी साड़ी को तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके भिगो देना चाहिए। 2-4 घंटे के लिए वो भीग जाएगा तो उसका स्टार्च निकल जाएगा, और फिर उसके बाद साड़ी को हल्के पानी में धो करके फैला लेना चाहिए तो वो सूख जाएगी, तो उसकी जो स्टिफनेस है, कड़कपन है, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि स्टार्च निकल जाएगा सारा। तो इसकी वजह से साड़ी मुलायम हो जाएगी, पहनने में, कैरी करने में इजी रहेगी, अच्छे से हम कंफर्टेबली पहन पाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कॉटन साड़ी पहनने में। तो इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, वरना ऐसी कड़क साड़ी पहनने में थोड़ी इजी नहीं होती। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड कि हमें अपनी कॉटन की साड़ी को प्रेस जरूर करना चाहिए, बिना प्रेस के नहीं पहनना चाहिए। बिना प्रेस के पहनने पर सिकुड़ापन उसका जाता नहीं है, जो कि पहनने पे हमारे पर्सनालिटी पे अच्छा लुक नहीं देती हमारे। इसके लिए फ्रेंड हमें अपनी साड़ी को प्रेस जरूर, आयरन जरूर करना चाहिए उतना अच्छे से, तो जिससे कि उसकी अच्छा सा लुक आ जाता है, पहनने पर भी अच्छी लगती है, ग्रेसफुल लगती है। तो कॉटन साड़ी तो अच्छा इफेक्ट दे डालती है, तो इस तरह से हमें प्रेस जरूर करना चाहिए, आयरन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड कि हमें अपनी कॉटन की साड़ी को जब हम धोते हैं तो बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं चाहिए, कि जैसे हमने धो दिया अब उसको काफ़ी ज़्यादा निचोड़ रहे हैं कि पानी निकल जाए, काफ़ी निचोड़ रहे हैं, तो निचोड़ने से क्या होता है कि उसके थ्रेड्स खराब हो जाते हैं, जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, वो फटने का डर ज़्यादा जल्दी रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं चाहिए, धोने के बाद हल्के हाथ से निचोड़ दीजिए और उसको डोरी पर डाल के सुखा लीजिए, तो वो अपना हवा में सूख जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा निचोड़ेंगे तो आपके थ्रेड्स कमजोर पड़ जाएंगे और जल्दी फटने लगेगी साड़ी। तो ये थे कुछ टिप्स फ्रेंड जो कि हमें कॉटन साड़ी को यूज़ करते टाइम समय ध्यान देना चाहिए।